मैं यदि आप जुड़ चुके हैं यस टीवी के साथ और मैं हूँ आपकी अपनी एंकर रंजीत कौर, जो एक बार फिर से ढेर सारी खबरों को लेकर आपके सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बॉलीवुड के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा आज पिटारे में भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिटारे में भरी हुई खबरें आपके साथ जरूर साझी की जाएगी, शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा, तो जी हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें कितना ज्यादा लाइक करते हैं। तो चलिए जनाब, अभी पिटारे में से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है जरा उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में ना आए दिन कोई ना कुछ कुछ खास ना खास चलता ही रहता है। अभी खास मेरे लिए आज एक न्यूज रही है, जितनी खास मेरे लिए रही है उतनी खास आपके लिए भी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, कलर का एक बहुत ही फेवरेट शो था मेरा, बहुत ही फेवरेट मेरा एक सीरियल था जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती थी। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम का वो सीरियल जिसका नाम था ससुराल सिमर की। जी हाँ भाई, जो जो फैंस हैं ससुराल सिमर की या फिर जो जो फैंस हैं दीपिका कक्कड़ के, उनके लिए गुड न्यूज है जनाब। ससुराल सिमर का सीरियल एक बार फिर से आप सभी फैंस के लिए हाजिर होने वाला है जनाब। जी हाँ जी हाँ दोस्तों, कलर्स का सुपर हिट शो ससुराल सिमर का, जी हाँ, जिसका अब सेकेंड पार्ट यानी की ससुराल सिमर का 2 फिर से आने वाला है। तो जी जो जो इस सीरियल को लेकर काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो वो जी आज की वीडियो में बता देना कि मैं कितने ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ आपको बता दिया है कि जनाब दीपिका कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है और इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि भाई ससुराल सिमर का फिर से वापस आने वाला है। जी हाँ, ससुराल सिमर का जो शो है वो उनके लिए भी काफी ज्यादा खास रहा है और सिमर का जो किरदार था वो उनके अंदर कम से कम 3 साल तक जिंदा रहा है। जी हाँ, इसी बीच उन्होंने कहा कि आप फैंस के लिए खुशखबरी है कि एक बार फिर से ससुराल सिमर का 2 वापिस आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से अभी आप भी बताइए कि आपको भी ये गुड न्यूज जानकर कैसा लगा, लेकिन अगली गुड न्यूज भी आपके लिए मैं रख देना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं जानता, मैं ढेरों फैन फॉलोइंग है उनकी और आखिरकार बिग बॉस 13 के विनर भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी एक खास जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि भाई हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है और उस फोटो में उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि अपने फैंस के लिए वो कुछ खास लेकर आने वाले हैं, कुछ खास या फिर कुछ शानदार। तो देखिए भाई, अभी सिद्धार्थ शुक्ला किस शानदार एक्शन के साथ हम सभी को एंटरटेन करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि जो फोटो उन्होंने शेयर किया ना, माय गॉड, वो फोटो में कितने डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी फोटो हम जरूर दिखाते हैं क्योंकि ये फोटो में तो पता चल ही रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला क्या हैंडसम लुक दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई खास खबर। इसी के साथ अभी के लिए हमारी आखिरी खबर और आज की लास्ट हमारी जो खबर है आपको बता देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भाई सैफ अली खान और करीना कपूर दूसरी बार बन चुके हैं मम्मी पापा। इसी बीच आपको बता देती हूँ कि उनका जो सेकंड बेबी जो है वो 1 महीने का हो चुका है और 1 महीने की खुशी में बेबी की बुआ यानी कि सैफ अली खान की सिस्टर सबा अली खान ने उस नन्हे से बेबी की वीडियो वायरल की है, छोटे से बेबी की वीडियो शेयर की है और उस वीडियो में वो सैफ अली खान यानी कि वो छोटे से नन्हे से उस्ताद अपने अब्बा जान सैफ अली खान के साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास खबरें। उम्मीद है कि आपको ये खबरें जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से जी ऐसी और खबरों की जानकारी जानने के लिए आप जुड़ जाइए यस टीवी के साथ और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अभी के लिए मैं चलती हूँ, देखते रहिए यस टीवी।